जहां जवान का संग है वहां बाजों का रंग है, जहां जवानों का संग है वहां बाजों का रंग है, जहां बच्चों का संग है वहां खुशियों का रंग है। संपूर्ण हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रभु के समर्थ से ही मैं आनंदित हूं। उसने आज मेरे लिए अपने मन की योजना पूर्ण की, उसने मुझे अपने प्रेम से सींचा, प्रफुल्लित एवं पुष्पित कर मुझे जैसे अयोग्य सेवक को अपने दरबार में कार्य करने हेतु चुनकर अभिषेक किया है। उन्होंने हर परिस्थिति में मेरी सहायता की एवं मेरी प्रार्थनाओं को पूर्ण किया है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। आज के समारोह क्रिस्तियाग के मुख्य अनुष्ठाता आतिमान्य मान्यवर विशप विनय कंडुल्ला, मैं सारे हृदय से आपको धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आपने आज खासकर मेरे लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया, मुझे विशेष महत्व दिया और आज के इस तारीख मेरे लिए ठहराया। आपने अपने कर कमलों से मुझे आध्यात्मिक सहयोग, प्रेम, उदारता एवं स्वीकृति के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। यहां उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों और आप सबों के प्रति मैं धन्यवादी आभार हूं। आप इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर अभिषेक की पवन धर्मविधि को बहुत बहुत सुंदर बनाया है और धर्मविधि में चार चांद लगाया है। धन बंधुओं और धन बहनों के प्रति मैं शुक्रगुजार हूं, अपने भारी संख्या में उपस्थित होकर मुझे आशीर्वाद दिया और आज के दिन इस इंद्रधनुष सातों तारों से भर दिया। आप सभी के प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खुशियों की बारात में भले मेरे आते प्यारे माँ बाप को कैसे भूल सकता हूँ, आज मैं अपने को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ और नसीबवान समझता हूं कि आज मेरे लिए मेरे पवन पुरोहित अभिषेक में उपस्थित हैं और आज के इस दिन को अपने लड़ले बेटे को प्रभु की बलि वेदी में देख पाए हैं। इस बड़ी खुशी का वह बड़ी सुख और क्या हो सकता है। मैं अपनी प्यारी प्यारी माँ जिसकी गोद में पाला, उसकी गोद में खेला और अंचल में लुका छिपी खेलकर बड़ा हुआ। दुलारे पिताजी की शीतल माट वृक्ष की छाया में खूब धूम मचाया, चल कदमी की तरह पढ़ लिख कर होनहार बना, उनके प्रति मैं सदा आभारी रहूंगा। आज मैं उसके दुलार प्यार और मेरे बचपन की सफर में चलना सिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, मामा मामी, चाचा चाची के प्रति के बीच में खेलते हंसते मुस्कुराते हुए जीवन बिताया, आगे चलने का हौसला पाया, प्रथम गुरु के रूप में जीवन का सफर तय करना सीखा और आशीर्वाद पाया, मैं उसके प्रति बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आज के खुशनम माहौल में वो दिन, वो पल और वो लम्हे कैसे भूल सकते हैं जब मैंने अपना बचपन अपने दोस्तों के साथ गुजारा और धूल व मिट्टी में खेलकर बचपन का और किशोर अवस्था का आनंद उठाया। मेरे सभी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, परिजनों, शुभचिंतकों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं उपकारों के जीवन ने मुझे सींचा है, उनके प्रति मैं अपनी जिंदगी का मंजिल तय किया है और आज मैंने अपनी मंजिल को पाया है। उनके स्नेह, सहयोग, प्रार्थना और आशीर्वाद के माध्यम से मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं, जिसे हम आज देख रहे हैं। इन तमाम लोगों ने मेरे लिए इतना काम किया जिनका वखान करना मेरे लिए मेरे वश के परे है। बस दिल की गहराई से मैं सबों को बड़े आदर के साथ धन्यवाद देता हूँ और सबके लिए यह कहता हूँ, फूलों की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत आप सबों से होती है।
मैंने धर्म प्रांत के आदरणीय बिशप विनय गडोलनाथ के प्रति के द्वारा मुझे विदेश यानी इटली जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां मैंने अध्ययन कर उच्च शिक्षा पाई है। इस दौरान इटली के किसानों कसानो धर्म समाज के धर्म प्रांत के बिशप फ्रांसिस सवीनो प्रोहित, खास करके मैं फादर डेविड सोसन बागे, फादर जोसेफ वंसन, फादर जयप्रकाश ओडिया, फादर सुशील मिंच, धर्म बंधुओं और लाइनो कस्टेलो के पल्ले वासियों के ने मुझे अपने बढ़ने और प्रभु की बलि वेदी तक पहुंचाने में मुझे मदद किया है। मैं उनके सहयोग और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं, जब भी कि वे आज कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हैं। आज मैं तमाम लोगों के प्यार, मेहरबान और आशीर्वाद से घिरा हुआ हूं, अतः मैं खुशी से कह सकता हूं, अगर आप मुझे पूछें जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो मैं जरूर कह सकता हूं, जो कुछ खोया वह मेरी नदनी थी और जो कुछ भी पाया वह प्रभु की मेहरबानी है। मैं गायक मंडली के प्रति शुक्रगुजार हूं। आज के दिन का अति सुंदर प्रार्थनामय, भक्तिमय और आनंदमय बनाने में अपना महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया है। वाद्यंत्रों के सुमधुर तान, मंदर के सुंदर ताल व धुन, अन्य वाद्यंत्रों के झांस से सबके हृदय को संस्कृत किया और गायकों को सुमधुर स्वर में वातावरण को भक्तिमय सागर से निर्देशन से सहारा में लहरों में लहराया है। गायक मंडली के संचालक फादर पत्रस मड़की ने तो कमाल कर दिया है। आज के निर्देशन में सारा आकाश धरती गुंजायमान हो उठा। फादर जी, आपके अथक परिश्रम और मेरे खातिर किए उपकारों व सहयोग के लिए कोटि कोटि से धन्यवाद। आप सभी गायकों और प्यारे फादर जी के लिए मैं खुशी से कहता हूं, जहां जवान का संग है वहां बाजों का रंग है, जहां जवानों का संग है वहां बाजों का रंग है, जहां बच्चों का संग है वहां खुशियों का रंग है, जहां आप जैसे जोशीली फादर का संग है वहां संगीत के लहरों में दम है। आज के दिन को सुंदर रंगीली बनाने में अति आदरणीय फादर अनिल बड़ा और साहेब पल्ली पुरोहित आदरणीय फादर पत्रस मड़की ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। दोनों पुरोहितों ने इतने बड़े समारोह का आनंदमय बनाया है। उनके निर्देशन में प्रचारक, धर्म बहने, कैथलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ, क्रूसवीर, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और पल्ली के हर परिवार ने अपना उदारता का विशाल प्रस्तुत किया है। सबने कंधा से कंधा मिलाकर ठंड को ठंड नहीं, रात को रात नहीं समझा और रात दिन अपनी कड़ी मेहनत, परिश्रम, त्याग और सेवा से सबके लिए आज के दिन को सुंदर बनाया है और सभी प्रकार की सुविधाओं एवं साज श्रृंगार ने वातावरण को खुशनुमा बनाया है। भितपुन्ना पल्ली के धर्म बहने की कलाकारिता से वेदी की सुंदरता और जगमहागढ़ ने सबके मन को मोह लिया है। वेदी श्रृंगार व स्टेज श्रृंगार अत्यंत प्रशंसनीय है। आप सबके महान कृतकारों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मुझे यह एहसास हुआ, कुछ वक्त का इंतजार मिला मुझको, आप जैसे कर्मठ और दिलदार को पाकर समुद्र से बढ़कर प्यार मिला मुझको। आप ना रहती तमन्ना किसी जनक की, मुझे आपकी उदारता ने अनमोल मोती मिला मुझको। पर्दे के पीछे बहुत से भाई और माता पिता महस्व की खुशी बढ़ाने हेतु अथक परिश्रम और त्याग कर हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं। पर्व के कार्यक्रम कितने ही सुंदर क्यों ना हो, पर भोजन ना मिला तो सब कुछ अधूरा है। आपने हमें अपने त्याग और प्यार से सींचा है। मैं आप सबों को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जीवन की घटनाओं को यादगार बनाने और खुशी प्रदान करने हेतु फोटोग्राफर तथा तमाम घटनाओं को अपने कैमरे में कैद किए हैं, जो बाद में हमारी आंखों को सुकून और हृदय को उत्साह एवं आनंदपूर्वक आनंद से परिपूर्ण करेंगे। सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। कार्यक्रमों में साउंड सिस्टम ना हो तो फीका पड़ जाता है। जिन भाइयों ने बहुत सी सुविधा ढंग से साउंड सिस्टम को रखकर दिल का कर खुशी प्रदान की है, साउंड सिस्टम की सुंदरता उसके बजाने में है, जहां हमारे पैर खुशी से थिरक उठते हैं और दिल पुलकित हो उठता है। मैं आप लोगों के उदारता के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करता हूं। अंत में सभी प्रकार की सुव्यवस्था, मंडल, कुर्सी, सजावट बहुत ही आकर्षक परिधान से सुसज्जित यह सुंदर गाने बजाने के साथ प्रवेश नृत्य, स्वागत नृत्य, कलाकारों का सुंदर नाच प्रस्तुतिकरण ने मेरे हृदय को आनंदित किया है और आज खुशी को चौगुना बढ़ा दिया है। सबों को मेरा सहृदय धन्यवाद। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर्दे के पीछे काम करने वालों के सभी भाई बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की गहराई से कहता हूँ, जहाँ सूर्य की किरणें हो वहाँ प्रकाश होता है। जहाँ आप जैसे उदार, कर्मठ और दिलदार महान व्यक्ति हो वही भाव सागर पार होता है। जहाँ एकता हो वही कठिन काम आसान हो जाता है। आज आप सबके लिए मेरे दिल की यह दुआ है, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हुई आज, आपकी ओर से प्यार दिवस है मेरे लिए आज। ईश्वर की आशीष सदा आप पर हो, हमेशा यही दुआ है मेरी आपके लिए आज। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद देता रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।